Hello students, in today's session we will be looking into the words which I have taken from the 8th October's The Hindu newspaper. And what we do here is that we discuss some words from the Hindu newspaper on a regular basis. So by watching this video, you can at least have an idea of some words, some of the newly used words in the Hindu newspaper, and you can definitely improve your vocab section and can crack any examinations, any competitive exams, because in every competitive exams, in English paper is there, and in order to score more marks in English, you need to have a good command over the vocab sections. So without wasting any time, let's see what are the words we are going to discuss today. So the first word for today is teen. It means to rain heavily. Means बहुत ही जोर से जो बारिश होती हैं, बहुत ही मूसलाधार बारिश, that is called teen. For example, you can't go out without an umbrella. It's steaming out there. अब बाहर बिना अम्ब्रेला के नहीं जा सकते हो क्योंकि बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों से. Synonyms हैं बी प्लेंटीफुल, ब्रिसल, स्वॉर्म. Antonyms आर ड्रिजल, लैक, नीड. नेक्स्ट वर्ड इज विलीफाई. इट मीन्स स्पीक और राइट अबाउट इन एन अब्यूसिवली डिस्पैरेजिंग मैनर. आप किसी के बारे में बोलते हो या फिर लिखते हो बहुत ही ख़राब तरीके से और बहुत ही गाली टाइप, मीन्स अब्यूसिव वर्ड यूज़ करके. For example, the Nazi propaganda vilified the Jews. जो नाजी का एक propaganda है, मीन्स उसका जो thoughts है, वो Jews को उनके बारे में बहुत ही गलत बोल abusive words use हो रहे हैं. Synonyms हैं disparage, condemn, denigrate. Antonyms are praise, admire, honor. Next word is frivolous. It means carefree and superficial person. मीन्स ऐसा इंसान जिसको कोई चीज़ का चिंता नहीं है और खा भी पुलाव बनाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रिवोलस क्वेश्चंस आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. अब ऐसे कोई भी होगा जो चीज़ नहीं होने वाला, फिर भी आप सोच रहे हो क्या पता ये ऐसे हो गया, ऐसे हो जाएगा. मीन्स जो चीज़ अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता है, जो चीज़ रियलिटी में है नहीं, आप उसके बारे में सोच कर वेस्ट करते हो. मीन्स दैट क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम. सिनोनिम्स हैं फेस्टियस, fatuous, senseless, thoughtless. Antonyms हैं serious, solemn, mature. Next word is escapades. It means an act or incident involving excitement, adventure or daring. Means ऐसा भी, ऐसा कोई act आपका या फिर कोई ऐसा incident हो जो जिसमें excitement use है, लेकिन आप, means वो खतरे वाला भी चीज़ हो सकता है जिसमें एडवेंचर भी है, आप नया चीज़ सीख रहे हो, या फिर डेयरिंग है. मीन्स आपको एक डेयर होता है ना कि आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते, एक टास्क. फॉर एग्जांपल, फ्रैंक वाज नर्वस अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द डेंजरस एस्केपेड. जो फ्रैंक है वो बहुत ही नर्वस है, मीन्स उसको चिंता हो रही है, बहुत ही वो घबरा रहा है क्योंकि एक जो एस्केपेड, मीन्स एडवेंचर है, एक डेयर है, लेकिन वो थोड़ा डेंजरस है. मीन्स सही नहीं है कि बहुत नॉर्मल है, डैट इज़ डेंजरस, मीन्स खतरनाक है. सिनोनिम्स आर जेब, फ्लिंग, स्प्री. एंटोनिम्स आर डिस्क्रिशन, सीरियसनेस. नेक्स्ट वर्ड इज एपिटाफ. इट मीन्स अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग और अ पोएम अबाउट अ डेड पर्सन, स्पेशली वन रिटन ऑन देयर ग्रेवस्टोन. मीन्स कि कोई जैसे इंसान जो गुजर गया, उसके बारे में उनको याद करने के लिए आप एक जो पोएम लिखते हो या फिर छोटी सी कोई राइटिंग लिखते हो, डैट इज़ कॉल्ड एपिटाफ. स्पेशली ये उनका जो मकबरा होता है ना, ग्रेवयार्ड जो होता है, वहाँ पे लिखा रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द हाईली यूलोगिस्टिक एपिटाफ ऑन हिज मॉन्यूमेंट एट बोशले वॉज रिटन बाई एडमंड ब्रूके. जो एक एक इंसान का जो मकबरा है, उसके मकबरे के ऊपर पोएम लिखा है जिससे उसको हम याद कर सकते हैं, और ये बोशली में है, और इसने किसने लिखा था, एडमंड ब्रूके ने. एंड सिनोनिम्स हैं एलेगी, कॉमेमोरेशन, ओबिट्यूरी. एंटोनिम्स हैं एसे. सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड विल बी बैक विद सम मोर वर्ड्स इन माई नेक्स्ट वीडियो टुमारो. सो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो. एंड इफ यू गाइस हैव एनी सजेशन, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो.